हेलो ऑल, वंस अगेन आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी में, जो कि अपन ने क्लासेस स्टार्ट की थी CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कोर्स के लिए। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर ऑफ द CHO का पीडियाट्रिक का फर्स्ट सेशन। ठीक है, इसमें पीडियाट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक प्रीवियस 7 to 8 ईयर के हमने पूरे पेपर्स को अच्छे से रीड आउट करके इसमें से बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा लोगो है, जो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किरोशा एकेडमी, और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, तो आज का टॉपिक है मॉडल पेपर ऑफ द पीडियाट्रिक फर्स्ट पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। अपन ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ द पीडियाट्रिक। तो पहला क्वेश्चन जब पीडियाट्रिक से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को डिस्कवर किसने किया था, या फिर फादर ऑफ द पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, सेकंड जैकोबी अब्राहम, थर्ड रुडोल्फ गोखले, फोर्थ इज अ विलियम वून। तो अपने कोर्स से रिलेटेड मोस्ट 3 लोग हैं, जिससे अपन 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा है, साइकोलॉजी के सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे कौन है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। विलियम वुंड कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ द साइकोलॉजी कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो विलियम वुंड आपको करेक्ट आंसर करना है। थर्ड बी ऑप्शन क्या है, जैकोबी अब्राहम, जैकब अब्राहम आए, जैकोबी अब्राहम आए, या फिर अब्राहम जैकोब आए, तो ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पहले तो फादर ऑफ द पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड अपन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रोथ मीन, जब पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक के स्टार्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो क्वेश्चन यहां आ सकता है कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। ए इंक्रीज साइज एंड बॉडी मास, बी इंप्रूवमेंट इन स्किल एंड फंक्शनिंग, सी मैच्योरेशन, डी ऑल ऑफ द अबो। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही अलग टर्म्स हैं, तो ग्रोथ का मीनिंग क्या है यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ग्रोथ मीन्स की बढ़ना, ठीक है, क्या बढ़ना, बॉडी की साइज, सेल की साइज, वो सब, बॉडी मास को इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज एंड बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहते हैं, जब बॉडी की कोई भी टिश्यू या सेल की साइज इंक्रीज हो जाते, साइज बड़ी हो, वही तो बच्चे से एडल्ट होना, बच्चे से बड़ा होना, वही तो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, मेनली फिजिकल फिजिकल ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इन स्किल, तो ग्रोथ तो मैंने अपने डिस्कस कर दिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इंप्रूवमेंट इन स्किल, स्किल डेवलपमेंट करना, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, ये सब आता है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ग्रोथ बॉडी की साइज इंक्रीज होना, स्किल कर बढ़ना, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, मैच्योरेशन ये भी ग्रोथ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने अपने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी है, जब फिटस या बेबी या अपन जब ग्रो हुए, अपन जब पैदा हुए और अब तक जो अपनी आयु बढ़ रही है, तो उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी है, 0 to 2 weeks, 2 to 8 weeks, 9 to till the birth of the baby and birth to 4 week। ठीक है, 0 to 2 week of the gestational stage, ये स्टेज क्या कहलाती है, ओवुलर स्टेज। कौन सी कहलाती है, ओवुलर स्टेज, याद रखना 0 to 2 week ओवुलर स्टेज, और 2 week से क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलते हैं, 2 week to 8 week, 9 week to till birth, इसे बोलते हैं
फिटस या फिर फिटल स्टेज, बर्थ टू 4 वीक को क्या बोलते हैं, नियोनेट, नियोनेटल स्टेज। ओके, ये इसके साथ हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द न्यू बोर्न, सीधा 1 लाइन क्वेश्चन है, न्यू बोर्न के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम 80 ml पर kg बॉडी वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मेच्यूरेशन ऑफ द फिटल, स्केलेटल मेच्यूरेशन ऑफ द फिटल में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन जो कि कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है, डिलीवरी टाइम में यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, और थायरोक्सिन, तो ग्रोथ से रिलेटेड एक ही है थायरोक्सिन T4, ठीक है। T4 हार्मोन कब, 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में सिक्रेट होता है, जेस्टेशनल स्टेज, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मेच्यूरेशन, अपने बॉडी के मेच्यूरेशन या फिर बॉडी बनने में कौन सा फिटस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो थायरोक्सिन हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कब सिक्रेट होता है, तो बच्चों में फिटस में 12 वीक ऑफ द जेस्टेशन से ये काम करना चालू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइम ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी किसे बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी क्या है, फर्स्ट 30 मिनट ऑफ द बर्थ, 6 to 8 hours ऑफ द बर्थ, फर्स्ट 6 to 8 hours ऑफ द बर्थ, और 2 to 4 hours। ये बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में हमने देखा हुआ है ये क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट ये फर्स्ट 30 मिनट का आंसर कर देते, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर है 6 to 8 hours आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद 6 से 8 घंटे में फर्स्ट पीरियड ऑफ द फर्स्ट रिएक्टिविटी को इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दिस विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है कि नहीं है, ये कैसे पता चल सकता है, हाइट से, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस और वेट, तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेट को चेक करके पता कर सकते हैं कि बच्चे का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी स्केल इज असिस्ट बाय, अपने कुछ स्केल होते हैं हर कोई सब्जेक्ट में, हर कोई इसमें स्केल होते हैं, तो न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी, प्रॉपर मैच्योरिटी हुई है कि नहीं है, ये कौन से स्केल से पता कर सकते हैं, अपकार स्कोल न्यूबॉर्न में होता है, क्यों करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करने के लिए ग्रोथ चार्ट ICDS के अनुसार, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम जो आई थी 1975, इसके अंदर होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, उनके पास जो होता है ग्रोथ चार्ट जिसमें 4 कर्व होते हैं, ठीक है, 4 कर्व होते हैं ऐसे, ठीक है, तो ग्रोथ चार्ट बच्चे के ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए होता है। ग्लास्को कोमा स्केल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए ग्लास्को कोमा स्केल होता है, न्यू बलार्ड स्कोर, ठीक है, न्यू बलार्ड स्केल बोल सकते हैं, न्यू बलार्ड स्कोर बोलते हैं, वो क्या न्यू बॉर्न की मैच्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, तो ये अपना हो गया आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। 8th question, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस तब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 40 to 50 mmHg, 80 to 50 mmHg, 120 to 80 mmHg, 110 to 50 mmHg, 8th birth पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर है 80 to 50 mmHg इज द करेक्ट आंसर, 120 अभी नॉर्मल एडल्ट का है, तो 8th birth नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 80 to 50 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी की नॉर्मल पल्स रेट कितनी है, तो 120 टू 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल पल्स रेट है न्यू बॉर्न की, तो इसमें एवरेज कितना बनता है, 140
बीट्स पर मिनट, तो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द टर्म बेबी फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ. फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ में कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है टर्म बेबी का, तो 70-80 ml पर केजी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ द बेबी डिलीवर्ड बाय द इंडियन वुमन. इंडियन कल्चर में जो नॉर्मल बर्थ वेट क्या बोलते हैं, तो 2.5 केजी इज द करेक्ट आंसर. नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 केजी किया जाता है. लेस देन 2.5 केजी लो बर्थ वेट. लो बर्थ वेट बेबी क्या किसे बोलते हैं, जब बच्चे का बर्थ जब जन्म होता है तब उसका बर्थ वेट 2.5 से कम हो तो लो बर्थ वेट बोलते हैं. ठीक है, एक्स ये हो गया अपना दो क्वेश्चन इससे सॉल्व आउट करें. एक तो 2.5 किलो से कम होगा तो लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं. नॉर्मल बर्थ का वेट कितना होता है, 2.5 किलो से ज्यादा. विच अम्बेलिकल वेसल विल डिसअपीयर ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड. जेस्टेशनल पीरियड जब फिटस यूटेरस में होता है तो कौन सी अम्बेलिकल वेसल डिसअपीयर होती है. अम्बेलिकल वेसल कितनी होती है, टोटल 4, राइट एंड लेफ्ट. राइट अम्बेलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बेलिकल आर्टरी, राइट अम्बेलिकल वेन, लेफ्ट अम्बेलिकल वेन. तो कौन सी डिसअपीयर हो जाती है, तो राइट अम्बेलिकल वेन इज द करेक्ट आंसर. राइट अम्बेलिकल वेन एट द 4th मंथ ऑफ जेस्टेशन. 4th मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड में राइट अम्बेलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है और लेफ्ट अम्बेलिकल वेन पीछे रह जाती है. ठीक है, तो फिर अम्बेलिकल वेन एट बर्थ कितनी होती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन. यहां पे आपको यह बता दूं, वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड एट बर्थ. ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, कौन से अम्बेलिकल वेसल्स डिसअपियर होती है, तो राइट अम्बेलिकल वेन इज द करेक्ट आंसर. यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आए गलत होने की संभावना नहीं होगी. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो. सर से लगा तक पाव तक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल सिफेलोक्यूडल सिफेल हेमेटोमा कैपुट सक्सेडिनम, ये है क्वेश्चन. ठीक है, तो एक तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या कहलाता है, प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब नियर टू फार, प्रोक्सिमल मतलब नियर बॉडी की मिड लाइन के नियर, डिस्टल फ्रॉम अवे. तो आपको पूछा जाए एल्बो जॉइंट और डिस्टल जॉइंट में बॉडी का प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है और डिस्टल पार्ट कौन सा है, तो एल्बो जॉइंट है वो प्रोक्सिमल पार्ट है, थंब है वो डिस्टल पार्ट है. ठीक है, तो सिफेलोक्यूडल मतलब सिफेलस हेड एंड क्यूडल मतलब टो. ठीक है, सिफेल हेमाटोमा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन स्कल बिटवीन, बोल सकते हैं बिटवीन स्कल एंड स्कल, स्कल्प और स्कल की लेयर में ब्लड का एक्यूमुलेशन कहलाना सिफेल हेमाटोमा बोलते हैं. कैपुट सक्सेडिनम क्या है, स्वेलिंग ऑन स्कल्प, स्कल्प की लेयर्स में स्वेलिंग हो जाना को कैपुट सक्सेडिनम कहते हैं, जो कि अपने आप डिसअपीयर हो जाती है, कोई हार्म्स नहीं करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूबॉर्न बेबी वेट लॉस. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी अपने जन्म के पहले वीक में कितना वेट लॉस करती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20%, 10%, 5%, 15%, 20%, 10%, 5%, 15%, कितना वेट लॉस होता है न्यूबॉर्न बेबी के पहले वीक ऑफ द लाइफ में, बर्थ के बाद जो फर्स्ट वीक होता है, क्योंकि वो पहले तो यूटेरस में होता है, वहां से सब न्यूट्रिशन मदर के द्वारा उसे प्लेसेंट थ्रू प्लेसेंटा मिलता है, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा यूटेराइन जब उसका बर्थ होता है बाहर की दुनिया में आता है, तो पहले क्या होता है, उसका वेट
10% ऑफ द वेट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस विल इक्वल एट व्हाट स्टेज, बहुत ही प्रीवियस बहुत एग्जाम में आया है, कौन से ईयर में या कितने टाइम के बाद हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल मतलब बराबर हो जाते हैं, तो आंसर कौन सा है, वन ईयर आफ्टर वन ईयर ऑफ द बर्थ, ठीक है। एक साल के जन्मे हुए बच्चे का हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाता है, हेड कितना होता है और चेस्ट कितना होता है, एट बर्थ हेड है 33 to 35 centimeter और चेस्ट सर्कमफेरेंस 32-33 centimeter, एक साल के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली में पूछा गया था, क्वेश्चन का मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज मेजर्ड बाय, जो मिड आर्म है उसकी सर्कमफेरेंस कौन सी टैप के द्वारा मेजर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने शायद से सुना होगा, पहला शकी टेस्ट, नॉर्मल टैप, इन्फेंटोमीटर, जॉनसन स्केल, तो इसका करेक्ट आंसर है शकी टैप के द्वारा मिड आर्म सर्कमफेरेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मींस ऑफ द फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है, चाइल्ड अनेबल टू ड्रिंक फ्लूइड, अनेबल टू स्टैंड, रिड्यूस वेट गेन, रिड्यूस लेंथ, फेलियर टू थ्राइव का मतलब है जब बच्चा वेट गेन नहीं कर पाता है, मतलब उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाइट कलर डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट निप्पल इन द न्यू बॉर्न, जब न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है उसके निप्पल से, ब्रेस्ट के निप्पल से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, उसे कौन सा मिल्क और क्या बोलते हैं, स्मेगा, विच मिल्क, स्यूडो मिल्क, नॉर्मल अपीयरेंस, तो उसे क्या बोलते हैं, विच मिल्क, क्या बोलते हैं उसको, विच मिल्क, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ बेबी इज अनेबल टू कंट्रोल बॉवल ड्यूरिंग द नाइट टाइम आफ्टर द एज ऑफ द 5, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है बॉवल कंट्रोल नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं, ए एनुरेसिस, बी एनकोप्रेसिस, सी इकोलेलिया, डी इज द बेट वेटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ए है क्या इसका करेक्ट आंसर, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बॉवल ब्लैडर नहीं पूछा है, तो उसका बी इज द करेक्ट आंसर, एनकोप्रेसिस, जब वो स्टूल पास कर देता है, 5 साल के ऊपर का भी बच्चा जब बेड में स्टूल पास करता है उसे एनकोप्रेसिस बोलते हैं, अगर यूरिन कर देता है एनुरेसिस बोलते हैं, इकोलेलिया मतलब रेपिटेटिव ऑफ द स्पीच, जब बार बार सेम वर्ड बोलता है बेड वेटिंग, यही एनुरेसिस है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के एट द टाइम ऑफ द बर्थ, 0.5 ml विटामिन के एट द टाइम ऑफ द बर्थ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है क्यों करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के इंजेक्शन एट द बर्थ टू प्रिवेंट फ्रॉम, किससे बचने के लिए विटामिन के एट बर्थ लगाया जाता है, ए ब्लीडिंग, बी वीकनेस, हीमोफेलिया, सी डी एनीमिया, ए इज द करेक्ट आंसर, ब्लीडिंग, क्योंकि विटामिन के का एक्शन क्या है, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, All are component of the Apgar score except Apgar score respiratory effort को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, टोटल स्कोर 10 होता है, ठीक है। ए इज द हार्ट रेट, बी इज मसल टोन, सी इज द कलर एंड डी इज द मैकोनियम, तो एक्सेप्ट से मतलब कौन सा नहीं है, मैकोनियम नहीं होता, और ये तीनों कंपोनेंट Apgar score में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्ले फॉर द टोटलर, टोटलर में मोस्ट कॉमन प्ले कौन सा है, इमेजिनरी प्ले, सोलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एथलेटिक प्ले, तो पैरेलल प्ले टोटलर में मोस्ट कॉमन होता है, टोटलर का एज ग्रुप 1 to 3 ईयर होता है, जिसमें पैरेलल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सनसेट आई इज इंडिकेटेड, सनसेट आई क्या इंडिकेट करती है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोसिफेलस, एक्सोथेलमस, हेड इंजुरी, सनसेट आई क्या इंडिकेट करती है, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यू बॉर्न माउथ देन नोज,
जब बच्चे का न्यू बॉर्न का फर्स्ट सेक्शन करते हैं तो आपको प्रोटोकॉल याद रखना है एम एन, पहले माउथ से करते हैं बाद में नोज से करते हैं, क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम अस्थमा, एम्फाइसिमा, एस्पिरेशन निमोनिया, एटेलेक्टेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पिरेशन निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 21st डे ऑफ द आफ्टर द कंसेप्शन, जब फिटस बॉर्न बनता है जब 21st डे जो होता है फोर्थ वीक में स्पाइनल, उसमें स्पाइन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, स्पाइन बनना शुरू हो जाता है, तो जब मदर में फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाता है तो स्पाइना बाइफिडा, उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी बोलते हैं, या बैक में एक पाउच हो जाता है जिसमें मेनिंजस, सीएसएफ सब कलेक्ट होता है, बाद के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे उसे। क्यों होता है? क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, जो जब अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कंसेप्शन से पहले ही अपन को फोलिक, मदर को फोलिक एसिड देना चालू कर देना चाहिए, ठीक है? तो ये कौन सी साइट पे होता है, क्वेश्चन है, लंबर एरिया, सेक्रम एरिया, लंबो सेक्रल और थोरेसिक एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, लंबो सेक्रल एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ द इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होने, डब्ल्यूबी व्हाइट ब्लड सेल का, उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, अग्रेनुलोसाइटोसिस। ल्यूकोपेनिया डिक्रीज द डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से कम, ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 11000 और अग्रेनुलोसाइटोसिस लेस देन 4000। अग्रेनुलोसाइटोसिस को भी डब्ल्यूबीसी काउंट जब डिक्रीज होता है बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया वन टाइप ऑफ द कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज मोस्टली फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ही सिंपल लेक्चर अपन ने प्रीवियस में ले लिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिन में IgG, IgE, IgA और IgD। तो IgA इज द करेक्ट आंसर, IgA बॉडी के हर फ्लूइड में, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क सब में पाया जाता है, तो कौन सा? IgA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच मेडिकेशन इज यूजिंग फॉर प्रीटर्म बेबी, जब प्रीटर्म बेबी 37 वीक से पहले पैदा हो गया है उसमें कौन सा मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? MGSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, डेक्सामेथासोन, टेट्रासाइक्लिन। प्रीमैच्योर बेबी में क्या होता है, लंग्स इमैच्योर होते हैं, तो लंग्स की मैच्योरिटी करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? डेक्सामेथासोन, करेक्ट आंसर है डेक्सामेथासोन, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मैंने इसमें शॉर्ट में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन क्लियर कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं किरोशा एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर और मेरी टीचिंग का लाभ उठा सकते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ अपडेट्स, लाइव वीडियो क्लासेस हो जाएगी, टेस्ट पेपर सब कुछ धीरे धीरे अपडेट होना चालू होगा, अभी वीडियोज पुटअप करने चालू कर दिए। थैंक यू ऑल।